Hello everyone, welcome back to MTE classes. So let's start with a new story, The Pheasants and the Sea. Story ka naam kya hai? Pheasants and Sea, yani ki ye kahani do pheasants ki aur ek samundar ki kahani hai. Pheasants ka matlab hota hai teeter aur sea ka matlab hota hai samundar. Okay, to chaliye kahani sunte hain. A pair of pheasants once lived on a tree by the sea. मतलब एक जोड़ा रहता था. किसका? तीतर का एक जोड़ा कहाँ रहता था? सी के पास एक ट्री थी, उस ट्री में रहता था. ओके, समुंदर के पास एक पेड़ थी, उस पेड़ में रहते थे. Once the female pheasant asked the male pheasant to find a safer place to lay her eggs. इसका मतलब एक बार जो फीमेल फीजेंट थी, फीमेल फीजेंट का मतलब जो औरत थी यानी जो महिला तीतर थी, उसने क्या बोला मेल फीजेंट से यानी जो आदमी फीजेंट था उसको, कहा कि हमें मतलब अंडे देने हैं मुझे, तो एक सेफ जगह ढूंढो, एक सुरक्षित जगह ढूंढो. ठीक है. शी वॉज वरीड डैट सी वुड वॉश अवे हर नेस्ट. मतलब जो फीमेल फीजेंट थी वो चिंतित थी. क्यों चिंतित थी? कि जो समुंदर की लहरें अगर ऊपर आई, ऊंची आई, तो उससे क्या होगा, उसकी नेस्ट यानी उसका घोंसला टूट जाएगा और उस जिस घोंसले में वो अंडे देगी वो अंडा चला जाएगा, मतलब वॉश्ड हो जाएगा. ठीक है. द मेल फीजेंट टोल्ड हर डैट द सी डिड नॉट हैव द पावर टू हार्म देम. अब जो मेल फीजेंट था उसने कहा कि समुंदर के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे अंडे को ख़राब कर दे या हमारे अंडे को बहा कर ले जाए. ठीक है. शी लेड हर एग्स एंड दे वेंट टू सर्च फॉर फूड. इसका मतलब जब क्या हुआ, वो जो फीमेल फीजेंट थी उसने अंडे दे दिए और वो दोनों खाने की खोज में चले गए. ओके. उसके बाद क्या हुआ, देखो, द सी डिसाइडेड टू शो इट्स पावर. उसके बाद जैसे मेल फीजेंट ने बोला था ना कि समुंदर के पास इतनी ताकत नहीं है, वो हमारे अंडे को कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे अंडे को नहीं बहा के ले जाएगा, फिर जो समुंदर है उसने डिसाइड किया कि उसने मेरे को ऐसा बोला, अब मैं अपना पावर दिखाऊंगा यानी मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगा. इट सेंट अ ह्यूज वेव विच वॉश्ड अवे द एग्स. उसके बाद सी ने यानी समुंदर ने क्या किया, एक बड़ी सी लहरें, मतलब इतनी बड़ी सी लहरें बन के आई और उसके जितने अंडे थे, वो जो तीतर के जो अंडे थे, उन अंडे को बहाकर ले गई अपने साथ समुंदर. ठीक है. द बर्ड्स रिटर्न टू फाइंड द एग्स मिसिंग. उसके बाद जो दो बर्ड्स थे ये वापस आए और जो अंडे उनके मिस हो गए थे वो ढूंढना शुरू कर दिया कि मेरे अंडे कहाँ चले गए, जो फीमेल फीजेंट देकर गई थी ना वहाँ पर अंडे. सो दे कॉल्ड अपॉन गॉड एंड ही प्रोमिस टू हेल्प. फिर ये दोनों फीजन मिलके गॉड को बुलाने लगे कि गॉड हमारी हेल्प करो, और गॉड ने बोला ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा. गॉड ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. द गॉड टोल्ड द ओशियन टू रिटर्न द एग्स और ही वुड ड्राई इट अप. अब भगवान ने बोला इस ओशियन को, इस सी को कहा कि तुम इनके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस समुंदर के पानी को ड्राई कर दूंगा यानी सुखा दूंगा. द सी वॉज स्केयर्ड, यानी कि जो समुंदर है वो स्केयर हो गया यानी कि वो डर गया. एंड थ्रू द एग्स बैक ऑन द शोर. और उसने क्या किया, जो अंडे थे वो वापस किनारे में दे दिए, इनको फीजेंट्स को वापस कर दिए. तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिली, नॉलेज ऑफ द एनिमी प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट्स. यानी कि अगर मतलब जो शत्रु का ज्ञान होता है वो हमेशा बेहतर परिणाम देता है. कैसे बेहतर परिणाम देगा बताना ज़रा, वो कि मतलब देखो, अगर कोई एनिमी यानी कि कोई दुश्मन अगर हमें नॉलेज देता है तो हम ये सोचेंगे कि वो शायद
रॉन्ग नॉलेज दे रहा है ना, वो रॉन्ग ज्ञान दे रहा है, वो गलत ज्ञान दे रहा है। तो इस वजह से हम बेटर रिजल्ट्स पाने के लिए हम उसको थोड़ा सर्च करेंगे, हम देखेंगे कि वेदर द नॉलेज इज़ राइट और रॉन्ग। ओके, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसी तरह से स्टोरीज़ को देखते रहिए और सुनते रहिए। थैंक यू।